व्यक्ति का है। नहीं गोल बना, ये तो है गोल बना। रोटी कैसा बन रहा है सबको बाद में दिखेगा। ठीक है, कैमरा बंद किया जाए कुछ देर के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि हम लोग की सुबह हो गई है आज कुछ जल्दी, सारे लोग की तबीयत जैसे कि मैंने बोला था ख़राब चल रही है, तो अब नींद भी नहीं पड़ रही है कैसे भी करके। आदमी सुबह उठ ही जा रहा है, खांसी सर्दी जुकाम उसकी वजह से, मतलब खांसते खांसते ही नींद खुल गई। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं किचन से ब्रेक लूँ। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरीके से ब्रेक लूँगी, मैंने सब्जी बना दिया और छोटे वाले जो मेरे देवर आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाले मुझे, तो जो मेरे देवर आएंगे उनसे मैं रोटी बनवाऊँगी। वैसे भी मेरी रोटी का काफ़ी मजाक बनता रहता है, जब भी मैं बनाती हूँ गोल रोटी नहीं बना पाती, ऐसे बनाती वैसे बनाती। तो मैंने सोचा कि आज मैं बहाना कर लूँगी कि ठीक है मैं नहीं रोटी बना पाऊँगी, आटा गूंथ के मैंने रख दिया, तो छोटे वाले से आज की रोटी बनवाए, देखते हैं कि कैसा रोटी बनाते हैं, कैसा उनका ये रहता है। मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि एक भी रोटी खाने को नसीब हो रहा, बट मैं चाहती हूँ कि वो ऑनेस्टली वो बनाए और किस तरीके से बनाते हैं मैं और देखूँगी। आते हैं तो फिर मैं उनसे बोलते देखती हूँ क्या कहते हैं, उनका रिएक्शन रहेगा का हम ये सब काम करें, ऐसा कुछ रहेगा रिएक्शन आने के बाद। अभी तो वो दुकान गए आ जाए फिर। सुनिए, आज का रोटी आपको बनाना पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, गुल्लू को बना दीजिए। हाँ एक गुद्दू को ज़्यादा नहीं, मतलब भाई आप अपने भर का, मेरे भर का और माँ के किसी का, मतलब चार चार आठ आठ, मतलब भाई 12-13 वो देखिए खांसते छींकते हम बनाएंगे तो इससे बढ़िया आप बना देते तो सही रहता। सोने दीजिए उसको, सोने दीजिए, पता नहीं क्या सो रहा है, नजर सो रहा है, सोने दीजिए। चलिए तब तक बना दीजिए, बना के फिर उठाया जाएगा इसको, नहा के बनाएंगे फटाफट, नहा दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। तो इनका अवस्था देख ही सकते हैं, मतलब बनाना तो पड़ेगा, अब तबीयत ठीक नहीं तो लोग बनाएंगे कैसे। और वैसे भी गोल रोटी पे काफ़ी कमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा देखा जाए कैसी रोटी बनती है। ऐसे कैसे भी बने, पकी होनी चाहिए, कच्चा ना रहे, उससे मतलब है। चलिए चलिए जल्दी नहाइए, जल्दी नहाइए, 11 बजने जा रहा है। ये बनाने हो गया सारा चीज़, और ये मायूस चेहरे के साथ जाती हुई धीरे धीरे क्या तो आप सबका स्वागत है अपने किचन में। कैमरे पे कुछ लगा हुआ, तो मैंने ये जहाँ तक कि तवा मैंने रख दिया हुआ गर्म होने के लिए, ब्राइटनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर ये हुआ है क्या कहते हैं, मौसम साफ नहीं है, तो ये रहा बेलन। तो आप सबका स्वागत है अतुल के किचन में एक बार फिर से। ये मैं दिल से नहीं दर्द से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो थोड़ा सा पता चले कि कितना मेहनत लगता है, और ऐसे मैं ट्राई नहीं करवाती क्योंकि तबीयत खराब है आपको मैं। तो पहले इस पर एक छोटा सा लोई डाल देते हैं, उसके बाद से ये करें, देखते हैं कहाँ तक संभव हो पाता है। सबसे पहले आटे को गूंथते हैं, गूंथने के बाद ऐसे गूंथ के मैंने रखा हुआ था, झूठ मत बोलिए, मैंने गूंथ दिया। गूंथने के बाद ऐसे गोल गोल बना, ऐसे गोल। इधर वेदू को भी देखना है क्योंकि वो इधर सो रहे और गिर ना जाए किनारे आके सो रहे, तो देखिए इनकी रोटी कैसे बनती है। अगर शादी के बाद कोई भी पुरुष अगर सबसे ज्यादा किसी गाने को हेडफोन लगाकर सुनता है तो वो गाने का नाम है, गाने का बोल है, दिल के अरमान। रोटी नहीं बनाएंगे उतना इनका मिमिक्री चलेगा, मतलब अभी एक रोटी बनाने में इतना इनको प्रॉब्लम है। सबको सिखाते हैं रोटी कैसे बनाते हैं अतुल के किचन से। बिल्कुल, आप लोग हो जाइए तैयार और कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा रोटी कैसा बना था, गोल मटोल रोटी। वाह, ये तो लग रहा है अच्छे। सबसे खुशी का बात है परसों 15 अगस्त है, तो झंडे की तरह रोटी होना चाहिए। झंडे की तरह नहीं होना चाहिए, चक्र की तरह गोल। मैप आप सबको दिखाने जा रहा हूं। ना अशोक चक्र के जैसा बनाइएगा, झंडे की तरह। आज मजबूरी है, गोल नहीं बना सकता हूँ, नहीं गोल बना, मेरे को झंडे का प्रैक्टिस भी करना है।
ये तो नाइंसाफी है, मुझसे गोल रोटी एक्सपेक्ट की जाती अगर है। अगर मैं हंस रहा हूँ तो इसको आप लोग हंसी में नहीं लीजिएगा, ये दिल का दर्द है जो हंसी के रास्ते निकल रहा है। दिखा दे रहा हूँ रोटी गोल कैसे बनता है। उम्मीद नहीं था कि जिस तरीके से इतना अच्छा बना पाएंगे ये, बट ठीक है। अंधेरा अंधेरा पता नहीं क्यों हो रहा है, ब्राइटनेस ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब तो ऐसा ही गोल रोटी बनाती है कि रोज इन्हीं से गोल रोटी बनवाने का मन करे। हम सोच रहे थे झंडा झंडा बनेगा, और झंडा नहीं बना, गोल बन गया। प्रैक्टिस जारी है लगातार उसको, उसके ऊपर। इसके पीछे आप लोग समझ सकते हैं कितना प्रताड़ित है हम लोग। इस गोल रोटी के पीछे बहुत ज्यादा प्रताड़ना है। आप प्रताड़ित करते हैं, हम प्रताड़ित नहीं करते। मेरा ये अगर गोल बना है तो हमारे कारण नहीं बना है। कैमरा के पीछे जो व्यक्ति है उसका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। गोल बना है कहाँ है गोल, अभी डालिए तो सही। अभी उस पे साटा अल्लाह, उस पे छोटी वाली गोली। क्योंकि अगर ये गोल बना है तो मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है, योगदान कैमरा पीछे वाला व्यक्ति का है। नहीं गोल बना, ये तो है गोल बना। रोटी कैसा बन रहा है सबको बाद में दिखेगा। ठीक है, कैमरा बंद किया जाए कुछ देर के लिए। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए करती हूँ, लेकिन मैं इसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं हूँ। अभी एक बहुत बड़ा रिक्स काम है। मतलब आज हमको लग रहा है 4 साल में पहली बार इनको रोटी बनाना पड़ रहा है, तो इनके हिसाब से तो शादी सोच समझ कर कीजिएगा। 4 साल से एक रोटी और किचन में एंट्री नहीं हुई है इनकी। मैंने शादी नहीं किया है, मेरा एक्सपीरियंस अभी जो हो रहा है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। भैया तो करेंगे नहीं तो इन्हीं को पकड़ लेगा। कोई तो एक मिलना चाहिए पसीने से हालत। और ये है सबसे देसीला चीज, देसीला चीज ये है राही। राही इसको दाल में डालकर और इसे मखते हैं, दाल को पूरा एकदम अगर भोजपुरिया भाषा में है इसको पूरा एकदम हिला। रोटी की तरफ से अटेंशन हटाने के चक्कर में अभी देखते कितने देर में। आज जो रोटी का गोलापन है और उसका जो फूलने का स्टाइल है वो आप सबको दिखने वाला है। एक ही बनेगा क्या, एक ही खाएगा इंसान, वो अभी दूसरा तैयार रखिए, पता चलेगा ऐसे तो दिन भर में रोटी बनता ही रह जाएगा। दूसरा गोली काटी है जल्दी जल्दी, हमको लग रहा है एक एक रोटी से खा पाएंगे, एक से अधिक नहीं कोई खा पाएगा। अब लग रहा है कुक की आत्मा घुसी है। ये मैं अपने दिल से नहीं, आत्मा मेरी बोल रही है कि आज मैं मेरा एक डायलॉग बाजी बहुत करेंगे अभी, एक भी रोटी बना नहीं है। रियलिटी है आप सबके सामने जा रही है, ये रोज की घटना है, सबको पता है कितना रोज का घटना है। ये हॉट पॉट रखिए, इसमें रोटी होगा उसी रोटी से फुलाइएगा। हमको लग रहा है 12 बजे के करीब में, 1 बजे के करीब में हम लोग का नाश्ता होगा। हमें आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, रोटी बोल कैसे बनाते हैं देखते रहिए। रोटी गोल तो एग्जैक्टली है, मतलब है थोड़ा बहुत तिरंगे का शेप है, बाकी ठीक है, लेकिन ये 5 मिनट से सेक ही जा रही है। भूलेगा कि नहीं आ रही। हो गया खाने के लायक तो बस फूला नहीं है, थोड़ा सा कम फूला है। हाँ, लेकिन काम हो गया। कच्चा नहीं होना चाहिए। हाँ। और इधर से पसीना आने लगा तो
तो मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि अब हमको पता है कि अब हमको बनाना पड़ेगा। अब ब्रेक का मतलब ब्रेक ही है। मैं थोड़ा अभी ये पूरा सब्जी काटने जाऊंगा। सब्जी तो आ रहा है, सब्जी काट कर। वाह रे वाह, मतलब अब नहीं बनेगा। सब्जी है कहाँ, थोड़ा हमको बता दीजिए। तुम अभी हवा खाने चलिए बनाइए, कम से कम तीनों को बनाइए, तीनों को तो खाए। बचाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, बना लेंगे, रहने दीजिए। बस बस। तो ये रहा इनका रोटी बनाने का, जितना अभी तक था बना दिया, अब फटाफट हम ही को बनाना पड़ेगा। मैंने बोला था कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ एक रोटी से अधिक नहीं बनने वाला। तो ये लोग काफी मेरे रोटी का मजाक बनाते, उसकी वैल्यू नहीं करते, इसके लिए एक थोड़ा सोल्यूशन देना जरूरी था। फटाफट बना के सबको नाश्ता दे दिया था, बाद में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है।